ओके सो गाइस, आपने जैसा कि अभी स्क्रीन पर स्टेटस देख लिया है, सो वही स्टेटस हम क्रिएट करेंगे। अगर वैसा स्टेटस आपको बनाना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को कहीं भी स्किप करके नहीं जाना है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी प्रोसेस करके बताऊंगा। ओके गाइस, सो बहुत ही ईजी तरीके से बनाना सिखाऊंगा। सो इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना। ओके गाइस, इतना ही करना, आप जितना सपोर्ट करोगे उतना आपके लिए बहुत सपोर्ट करते हो, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता गाइस, तो हमारे लिए वही मोटिवेशन है। बाकी आप जो करना हो करो, इतना सपोर्ट कर देना। ओके गाइस, और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो अभी तक वहाँ पर जाओ और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलिए ओपन करते हैं हमारा आगे का प्रोसेस। तो गाइस, ऐसा स्टेटस बनाने के लिए आपको एलाइट मोशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट उसमें आपको आएगा वाटरमार्क लगा हुआ आएगा, तो उसको हटाने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और आपको वहीं से डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से एलाइट मोशन डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको वाटरमार्क लगा हुआ नहीं आएगा। तो गाइस, उसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो प्रोजेक्ट की लिंक है, तो दोनों को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको उसको एलाइट मोशन में इनपुट कर लेना गाइस। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती हो आपको इनपुट करने में, तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हैं, आपकी मैं पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है दोस्तों। सो गाइस, उस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो एलाइट मोशन है उसे ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ से ओपन कर लेंगे इस तरह से। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा गाइस। तो आपको यहाँ पर सिंपली गाइस ये जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बिटमार्क आएगा, तो यहाँ पर बिटमार्क और सेक इफेक्ट आ रहे हैं, तो आपको जो भी बिटमार्क बाई रॉयल शिवराज है उसे ओपन कर लेना है। उसे ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से आएंगे गाइस। यहाँ पर रेड कलर में बीट लगी हुई है और इस तरह से ये हमें इस बीट के हिसाब से फोटोज लगा लेना गाइस। तो चलिए मैं जल्दी से आपको फोटो लगा करके बताता हूँ। फोटो लगाने के लिए नीचे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया के आइकन पर क्लिक करना है और इस फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। सॉरी गाइस, बाहर आ गया। तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ फोल्डर का नाम आ रहा है उस पर क्लिक करना। जिस फोल्डर में भी आपकी फोटो है उस फोल्डर को यहाँ पर ओपन कर लेना। और अगर इस तरह की फ़ोटो चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको बहुत सारी फ़ोटो मिल जाएगी। उसके बाद जो भी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हो वो मटेरियल मिल जाएगा। सो गाइस जल्दी से जाओ और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस चलिए, फोटो पर यहाँ से क्लिक करना है, ऊपर थ्री डॉट दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना गाइस। और यहाँ से आपको फिल कंपोजिशन एरिया मिलेगा उस पर क्लिक करना, तीर के निशान पर क्लिक करना और यहाँ से आपको कट कर देना, ठीक है गाइस। इस तरह से करना है, फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना, मीडिया के आइकन पर क्लिक करना, सेकंड फोटो पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक कर देना और यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया करके फोटो को फुल स्क्रीन में कर लेना और यहाँ पर तीर के निशान पर क्लिक करना और यहाँ से कट कर देना। तो इसी तरह से आपको सारी फोटोज़ लगा लेना गाइस। तो मैं भी आपको सारी फ़ोटो लगा के बता देता हूँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है दोस्तों। सो इस तरह से आपको यहाँ पर फोटोज़ लगा लेना है। सो गाइस, मैं अभी जन्माष्टमी पे भी एक वीडियो लेके आ चुका हूँ, तो आप जाओ और उस वीडियो को भी देख सकते हो, आपको वो वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी गाइस। तो आप जितना अगर देखना चाहो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, उसकी लिंक दे दूंगा, या फिर आप इस चैनल पर जाओ और बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप देखोगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ओके गाइस, बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट के साथ वीडियो बना कर लाया हूँ, तो गाइस उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। ओके गाइस, सॉरी गाइस। तो यहाँ पर इस तरह से मैं सारी फ़ोटोज़ लगा के आपको बता देता हूँ, ठीक है गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो गाइस देख सकते हो आप, मैंने लास्ट तक इस तरह से फ़ोटोज़ लगा दिया हूँ यहाँ पर। इस तरह से आपको फ़ोटो लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको आ जाना है। बैक आने के बाद आपको बैक मतलब पीछे आने के बाद आपको सेक इफेक्ट को ओपन करना है, अपना जो भी सेक इफेक्ट है उसे ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से ये फ़ोटोज़ आएगी गाइस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वाली फ़ोटो पर क्लिक करना है, फोटो पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना गाइस यहाँ से, और कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद बैक आना है और बैक आने के बाद फिर से उस बीट मार्क सॉन्ग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से आगे आ जाना गाइस, इतना 5.10 सेकंड पे आ जाना है।
यहाँ पर देख सकते हैं 5-10 सेकंड बड़ी फोटो के बाद उस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना और पेस्ट इफेक्ट कर देना। ओके गाइस, फिर आगे वाली फोटो 5-23 सेकंड पे उस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो इस तरह से दोनों फोटो में इफेक्ट लगा दिए। उसके बाद आपको आगे की 2 फोटो छोड़ देना गाइस, ये 2 फोटो छोड़ देना और आगे इस तरह से 7.9 सेकंड पर आ जाना। 7.9 सेकंड पे आने के बाद फिर से 2 फोटो पर हमें इफेक्ट लगा देना है यहाँ पर, ठीक है गाइस। 2 फोटो पर इफेक्ट लगाने के बाद हमें आगे की 2 फोटो फिर से छोड़ देना है इस तरह से। सो ये 2 फोटो छोड़ देते हैं हम, ये 2 फोटो छोड़ने के बाद फिर आगे 2 फोटो आ रही है तो उन 2 फोटो पे फिर से ऐसे इफेक्ट लगा दे। तो इस तरह से मैं आपको लास्ट तक ये वाले इफेक्ट लगा कर बता देता हूँ, 2 फोटो पर लगाना है और दोनों फोटो को छोड़ देना है। तो इस तरह से हम लगा लेंगे, ठीक है गाइस। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करना या फिर इंस्टाग्राम पर एक बार मैसेज ज़रूर करना, और भी इजी कुछ ना कुछ आपके लिए करके ज़रूर बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह से 2-2 फोटो में लगा लेंगे हम और 2-2 फोटो छोड़ देंगे। तो लास्ट तक इसी तरह से लगाना है गाइस, तो मैं आपको जल्दी से लगा के बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो गाइस मैं यहाँ तक लगा चुका हूँ, यहाँ तक लास्ट तक ये वाला इफेक्ट लग जाएगा, लास्ट वाली 2 फोटो में भी ये वाला इफेक्ट लगेगा। तो इस तरह से इफेक्ट लगा लेना है, उसके बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना, ठीक है गाइस। यहाँ से बैक चले जाना है इस तरह से, इस पर क्लिक करना, बैक आना और सेक इफेक्ट को फिर से ओपन कर लेना। उसे ओपन करने के बाद आपको दूसरे नंबर की फ़ोटो पर आना है इस तरह से, ठीक है गाइस। दूसरे नंबर की फ़ोटो पर आना, फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। इतना करने के बाद बैक आना है और बैक आने के बाद फिर से बिटमार्क सॉन्ग को ओपन कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको आगे आ जाना है इस तरह से और ऊपर स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट की 2 फोटो छोड़ना है, ठीक है गाइस। इस तरह से 6.9 सेकंड पे आ जाना है, 6.9 सेकंड पे, और जो फोटो आ रही है इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना और पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो यहाँ पर 6.9 सेकंड पे इफेक्ट पेस्ट किया है। उसके बाद आपको आगे की 3 फोटो छोड़ना है गाइस, ठीक है। उस टाइम हम 2 फोटो छोड़ रहे थे, अब हमें 3 फोटो छोड़ना है। तो यहाँ तक 3 फोटो छोड़ी हमने, फिर जो फोटो आ रही है उस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना और पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर हमें 3 फोटो आगे की छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और जो भी फोटो आएगी उसके बाद 3 फोटो के बाद उस फोटो पर इस तरह से इफेक्ट लगाना। तो गाइस ये वाली प्रोसेस हमको लास्ट तक कर लेना है, 3 फोटो छोड़कर 1 फोटो में इफेक्ट लगाते लगाते हमें लास्ट तक इसी तरह से लगा लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो मुझे आप कमेंट कर देना गाइस, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपके लिए मैं डेली न्यू स्टाइल में स्टेटस लेके आता रहता हूँ गाइस। तो इस वीडियो पर गाइस आपको हिंदी सॉन्ग में भी स्टेटस मिलते हैं, तो जो टीमली सॉन्ग वाले हैं वो नाराज़ मत होना, क्योंकि एक मैं हिंदी सॉन्ग में लाता हूँ और एक टीमली सॉन्ग में लाता हूँ। अभी कोशिश करूँगा कि एक दिन में 3 से 4 वीडियो अपलोड हो पाए और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे स्टेटस लेकर आते रहूँ, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हमें ये लास्ट तक हो गया गाइस, यहाँ तक। उसके बाद हमें फिर से बैक जाना है, बैक जाने के बाद सेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको इस तरह से आगे आना है। आगे आने के बाद आपको लास्ट वाली फ़ोटो पर आ जाना गाइस, लास्ट वाली फ़ोटो पर आना है, इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना, कॉपी इफेक्ट कर लेना, फिर बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से बिटमार्क सॉन्ग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको गाइस यहाँ पर फर्स्ट वाली फ़ोटो पर क्लिक कर देना है और इफेक्ट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देना। इतना करने के बाद खाली जगह में टच करना और बाहर आ जाना है। फिर से सेक इफेक्ट को ओपन करना और लास्ट में आना और ये दूसरे नंबर यहाँ पर ये वाली फ़ोटो मिल रही है 2.22 सेकंड पे, इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और कॉपी इफेक्ट कर लेना। इतना करने के बाद बैक आना है और बिटमार्क सॉन्ग को ओपन कर लेना है। बिटमार्क सॉन्ग को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से आगे आ जाना गाइस, यहाँ पर मैं सेकंड बता दूंगा, उतने ही सेकंड पे आपको आगे आना है और आपको यहाँ से जितने फोटो पर भी इफेक्ट नहीं लगा उन फोटो पर लगाना है। तो यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं 6.23 सेकंड पे जो फोटो आ रही है इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो 6.23 सेकंड पे ये वाला इफेक्ट लगाने का, फिर आपको 3 फोटो छोड़ देना और आगे आना है और 8.21 सेकंड पे एक फोटो आ रही है उस फोटो पर भी इफेक्ट लगा देना, ठीक है गाइस। सॉरी गाइस कॉल आ गया था। तो इस तरह से हमें इफेक्ट लगाते जाना है, यहाँ तक हमने लगा दिया था इस फोटो में भी। सो गाइस जिस फोटो में भी इफेक्ट नहीं लगा है उस फोटो में इफेक्ट लगा लेना, फिर हमें 3 फोटो छोड़ना है और आगे जो भी फोटो बची हुई है उन फोटो में ये वाला इफेक्ट लगाना। तो इस तरह से मैं आपको लास्ट तक लगा के बता देता हूँ, ठीक है गाइस, 3-3 फोटो छोड़कर। सो गाइस मैंने इस तरह से लास्ट तक ये वाला इफेक्ट लगा दिया हूँ। उसके बाद आपको फिर से बैक चले जाना है, बैक जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पर सेक इफेक्ट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद दूसरे नंबर यहाँ पर इस तरह से आना, तीसरे नंबर की जो फोटो आ रही है उस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है,
और थ्री डॉट पर क्लिक कर देना गाइस इस तरह से, और कॉपी फिक्ट कर लेना। इतना करने के बाद आपको फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद उस बीट मार्क सॉन्ग को फिर से ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको दूसरे नंबर की फ़ोटो पर आ जाना है। दूसरे नंबर ये वो बड़ी वाली फ़ोटो आ रही है, इस बड़ी फ़ोटो पर क्लिक कर देना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। इस तरह से इफेक्ट लग जाएगा और आपकी वीडियो भी बनकर तैयार हो जाएगी। सो गाइस इतना करने के बाद आपको इस तीर के निशान पर क्लिक करना और यहाँ से एक्सपोर्ट वीडियो कर लेना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धमाकेदार वीडियो।